पिता गुरु और घर के बड़ों की दृष्टि में रहता है, उसकी जिंदगी में सृष्टि अपने आप बनती चली जाती है और उसका विकास अपने आप होते चले जाते हैं। 3 वर्ष की इसकी आयु है, कहीं बेटी है बच्ची, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, बोलते हैं मेरी बेटी भाभ्या के सीधे आंख में कैंसर हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी बेटी की आंख का कैंसर समाप्ति पर आ गया और उसकी रोशनी आंख की आ गई। मैं बाबा से यहाँ पर नमन करने आई हूँ जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप अगर भगवान शिव की कथा में जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव भक्ति में रमे रहते हो, शंकर की अविरत भक्ति में रमे रहते हो, शिव के मंदिर में शंकर की आराधना में शंकर के गुणगान में अगर तुम रमे हुए हो तो तुम अकड़ कर कह सकते हो कि दुनिया की पहचान किसी से भी हो पर मेरी पहचान तो मेरे महाकाल से, मेरे शिव से, मेरे ओम से, मेरी पहचान मेरी शंभू से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। तो शिव की आराधना में लीन रहता जो शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहता वो क्या साधारण हो सकता है? उसकी भक्ति क्या साधारण हो सकती है? जायदाद अगर आपको मिले ना मिले, इनकी संपदा आपको मिले ना मिले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है माता पिता गुरु और घर के बड़े, इनसे हमको कुछ प्राप्त हो ना हो पर इतना जरूर याद रखो कि इनकी दृष्टि में हम रहे। जो माता पिता गुरु और घर के बड़ों की दृष्टि में रहता है उसकी जिंदगी में सृष्टि अपने आप बनती चली जाती है और उसका विकास अपने आप होते चले जाते हैं। हम माता की दृष्टि में बने रहे, हम अपने पिता की दृष्टि में बने रहे, हम अपने गुरु की दृष्टि में बने रहे। गुरु आपको धन दे ना दे, गुरु आपको संपदा दे ना दे, गुरु आपको कुछ दे ना दे, पर गुरु आपको दृष्टि में अगर रखेगा, गुरु अगर गुरु की मात्र दृष्टि ही आप पर पड़ गई तो समझ लो कि आपकी जिंदगी गुरु समझ गई। केवल दृष्टि एक छोटी सी बेटी उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर। काय में हुआ? नेत्र में। हाँ, उस बेटी की आंख में हो गया कैंसर। तक रहे कहीं बेटी है बेटी? अगर कहीं बेटी हो तो हाथ मिला दे बेटी, अगर कहीं बेटी हो बेटी तो हाथ मिला सकती है। आपके वाले पटना में हो तो आप ही बता सकते हैं। केवल पूनम केवल निवासी सकलतरा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। जांजगीर छापा छत्तीसगढ़ से, ठीक है। 3 वर्ष की इसकी आयु है, कहीं बेटी है बच्ची, अगर कहीं बेटी हो उसके परिवार वालों के साथ हाथ मिला सकते हैं।
मैं बाबा का क्या वर्णन करूं बोलते हैं, मेरी बेटी भाप्या के सीवियर आंख में कैंसर हो गया, हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये जो कैंसर है इसमें बचने के चांस नहीं है। बिलासपुर रायपुर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बचने के चांस नहीं है, ये बच्ची बचेगी नहीं क्योंकि कैंसर पूरे आंख के माध्यम से शरीर के अंदर आ गया। तब किसी एक पड़ोसी ने कहा कि बच्ची को हम अपनी यहां से हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बच्ची के बचने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने कहा कीमो करके देख लो, अगर थोड़ा बहुत आराम मिल जाए तो बच्ची बचेगी। हम उसको दिखा कर वापिस किया। पड़ोसन ने फिर कहा अपने हैदराबाद दिखा जाए, हैं रायपुर बिलासपुर कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम कीमो करने को तैयार हैं। भोलेनाथ जी पर जल चढ़वाएंगे, वो जल इसकी आंखों पर लगा देंगे और रोशनी तो आंख की चली ही गई है, कैंसर तो इसको हो ही गया है, तब फिर वापिस अपन इसका कीमो करवाते हैं। भोलेनाथ जी पर भरोसा करकर शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और उसको वापिस एक महीने के बाद हैदराबाद ले गए। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसका कीमो चालू कर दीजिए, आप चाहें तो इसका ऑपरेशन करना चालू कर दीजिए, हम भोलेनाथ जी को इस बेटी को दे दीजिए। हमने बेटी को शंकर भगवान को दे दिया, अभी बेटी शिव जी की है, बचेगी कि ना बचेगी तो इसके हाथ में। जैसे ही कीमो करवाने के लिए आतुर हुए और दिखाना प्रारंभ करा, जांचें प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी बेटी की आंख का कैंसर समाप्ति पर आ गया और उसकी रोशनी आंख की आ गई। मैं बाबा से यहाँ पर नमन करने आई हूँ जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो बेटी से मैंने फोटो भी लगाया, अगर वो बेटी यहाँ बैठी तो लिखा है कि हमें देखें। हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है, अगर आप देखते हो तो यहाँ व्यवस्थित तक बेटी को जा सकते हो, उसके फोटो यहाँ लगे हैं। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर ओ घड़ी इसी को कहते।